नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नाव और धारा, यानी कि बोट एंड स्टीम। बोट एंड स्टीम से रिलेटेड अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट था तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बोट एंड स्टीम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप डिस्कस करेंगे, और हर एक टाइप में जितने वैरायटी आप क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। तो इस चैप्टर का सिंगल वीडियो में हम लोग कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं। लास्ट टाइम पे ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इनको आप जरूर देख के जाइए, और मैं आप सभी को एडवाइस देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप SSC CHSL CGL एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करिए जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा है, और यहाँ पे हमने सारे के सारे प्रीवियस पैसेज आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं, और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि आप डेमो जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो बोट एंड स्टीम एक्चुअल में जो आपका चैप्टर है वो कहीं ना कहीं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो समय चाल दूरी चैप्टर है उससे ही रिलेटेड आपका चैप्टर है, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ जो सेगमेंट हैं जिनका यूज़ होगा वो आपको अच्छे तरीके से समझना है। अगर वहाँ आप कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नाव और धारा के पूरे चैप्टर में नाव की चाल को हम लोग एक्स मानेंगे और धारा की चाल को हम लोग वाई मानेंगे, यानी कि जहाँ पर भी हमसे नाव की चाल पूछी जाएगी तो वो एक्स, यानी कि हमें एक्स निकालना होगा। धारा की चाल पूछी जाएगी तो हमें वाई निकालना होगा। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर नाव जो है वो धारा के अनुदिश चले, मतलब जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में अगर नाव चलेगी तो जाहिर सी बात है नाव तेज गति से चलेगी, यानी कि धारा के अनुदिश जो चाल होगी, यानी कि धारा के अनुदिश अनुप्रवाह जो चाल होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई, यानी कि जोड़ के निकालते हैं, ठीक है। और इसी को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि जो अनुदिश चाल है वो क्या है, ए है, और वो क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। ए हमने एक टर्म का नाम दे दिया, मतलब जो अनुदिश चाल है उसको हम ए बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर धारा के विपरीत नाव चल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, यानी कि वो एक्स माइनस वाई होगी। तो इसको हमने बी मान लिया, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने ए मान ली और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमने बी मान ली। अब मैंने कई बार इस चीज़ को आपको बताया कि अगर दो चीज़ों का आपको सम दिया है और डिफरेंस दिया है तो अगर बड़ी वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के आधा करेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने ए नाम दिया है और इसको बी नाम दिया है। ये इसी वजह से दिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अगर बड़ी वैल्यू निकालनी, बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखो एक्स में से बाई को घटाया गया, यानी कि एक्स बड़ा होगा। एक्स मतलब यानी कि नाव की चाल अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, यानी कि ए प्लस बी बाई टू होगा। और अगर धारा की चाल हमें वाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी बाई टू होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको अनुदिश और विपरीत चाल दिए और धारा की चाल अगर आपसे पूछ रहा है तो उनको घटा के आधा करेंगे तो धारा की चाल निकल आएगी, और अगर नाव की चाल निकालनी है तो उन्हें जोड़ के आधा कर देंगे तो नाव की चाल निकल के आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक टर्म और आपका यूज़ होता है जो कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप पुल पर साइकिल चला रहे हो, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब ऊर्ध्वप्रवाह और डाउन स्ट्रीम का मतलब अनुप्रवाह। जैसे कि अगर आप पुल पर साइकिल चलाते हो, चढ़ाते हो या मोटरसाइकिल चढ़ाते हो तो आप देखते हो कि आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ऊर्ध्वप्रवाह में जो चाल होगी वो क्या होगी, एक्स माइनस वाई होगी। और जब डाउन जाते हो तो आप देखते हो कि आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है और आपकी साइकिल तेज भागती है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो चाल होगी वो एक्स प्लस वाई होगी। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ, जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल, नाव की चाल यानी कि एक्स और वाई, इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। तो हमें क्या दिया है, धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी जाएगी, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे यानी कि विपरीत जो चाल है वो कितनी दी है हमें, 4
किलोमीटर पर आवर और अनुदिश जो है दिया हुआ है धारा की दिशा में चार घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो अनुदिश जो चाल हो जाएगी वो कितनी जाएगी 20/4 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको अगर अनुदिश और विपरीत चाल दिए तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के आधा कर देंगे यानी कि 5×9 का आधा कितना हुआ 4.5, और धारा की चाल निकालनी है तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, और 1 का आधा किया तो कितना आ गया 0.5। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अगर कॉन्सेप्ट और चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तो आप मौखिक कर सकते हैं क्वेश्चन को। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि एक आदमी धारा के अनुकूल दिशा में यानी कि अनुकूल मतलब x प्लस y की वैल्यू जो दी है वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाल से धारा की विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है शांत जल में नाव की चाल मतलब एक्स। नाव की चाल कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के अदा कर देंगे क्योंकि अनुकूल और विपरीत चाल दी है यानी कि 15+9/2 यानी कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल निकालनी होती तो घटा के अदा कर देते, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहाँ पे क्या है कि आपको एक वैल्यू दी होगी, नाव की चाल दी होगी या मतलब आपको धारा की चाल दी होगी, धारा की चाल दी होगी तो नाव की चाल पूछेगा, नाव की चाल दी होगी तो धारा की चाल पूछेगा। किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप पकड़ के चलेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7/1/2 किलोमीटर पर आवर की गति से नौका चला सकता है, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने का मतलब प्रतिकूल यानी कि x-y प्रतिकूल चाल क्या होती है x-y विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगुना समय लगता है। जाहिर सी बात है कि भाई प्रतिकूल जब जाएगा कोई तो चाल कम होगी, तो टाइम प्रतिकूल में हमेशा ज़्यादा लगेगा और अनुकूल में चाल ज़्यादा होगी तो टाइम हमेशा क्या लगेगा आपको कम लगेगा, जाने में दुगुना समय लगता है। तदनुसार नदी की धारा की गति क्या होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको दिया है और वाई की वैल्यू जो है वो आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे अनुकूल चाल क्या होती है x+y और प्रतिकूल चाल क्या होती है x-y। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब आप चीज़ें समझ जाओगे तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या दिया हुआ है कि अनुकूल जाने क्या कह रहा है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसे धारा के साथ जाने से दुगुना समय लगता है, यानी कि प्रतिकूल में अगर एक टाइम मतलब क्या दिया हुआ है उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसे धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है, यानी कि अगर धारा के साथ जाने में 1:1 टाइम लगता है तो प्रतिकूल जाने में टाइम कितना लगेगा, प्रतिकूल जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि टाइम का जो रेशियो है वो 1:2 है। और हमेशा याद रखो, देखो धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जा रहा है इसका मतलब है डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा है, और डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टाइम का रेशियो अगर 1:2 का है तो चाल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2:1 होगा, यानी कि अनुकूल चाल आ गई 2:1 और प्रतिकूल चाल आ गई आपकी 1:1। अब अनुकूल और प्रतिकूल अगर चाल आपको पता है तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के आधा कर देंगे यानी कि 2 और 1 = 3, 3 का आधा कितना हुआ 1.5, यानी कि x की जो वैल्यू हो गई वो 1.5:1 हो गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इनको घटा के आधा करेंगे यानी कि इनका डिफरेंस 1 और 1 का आधा कितना हुआ 0.5, यानी कि जो धारा की चाल होगी वो 0.5:1 होगी। अब हमें 1.5 की वैल्यू दी है 7.5, यानी कि 1:1 की वैल्यू कितने के बराबर 15×5=75, तो 0.5 की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 0.5×5 यानी कि कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी 2.5। तो समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल वही चलने में मतलब वही दूरी जाने में 3 गुना समय लेती है। धारा की चाल क्या होगी। क्या दिया हुआ है, एक नाव शांत जल में एक घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। अब आपको इनडायरेक्टली ये क्या दिया हुआ है, चाल दिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस को हम लोग स्पीड कहते हैं। जैसे 1 घंटे में चली गई दूरी चाल होगी, 1 मिनट में चली गई दूरी चाल होगी, और 1 सेकेंड में चली गई दूरी भी चाल होगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में इनडायरेक्टली क्या दिया है, नाव की चाल। क्या बोल रहा है कि शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, यानी कि नाव की जो चाल है वो कितनी, शांत जल है इसका मतलब नाव ही चल रही है, तो नाव की जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर दी है और आपसे धारा की चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुना समय लगता है, यानी कि टाइम का जो रेशियो है वो 1:3 का है, तो चाल का जो रेशियो होगा वो 3:1 का होगा, तो धारा की चाल कैसे कितनी आ जाएगी 3:1 = 4 का आधा कितना 2:1, 2 की वैल्यू कितनी दी है 6, तो 1:1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो नाव की चाल क्या होगी 3-1 कितना हुआ 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 1:1, तो 1:1 की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 3, यानी कि जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी 3।
होगी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट आपको याद रखना है वो ये भी हमें समझ में आया कि यहाँ पे अगर प्रतिकूल जो टाइम है वो 3 गुना लग रहा है तो जो नाव की चाल अगर 6 दी है तो धारा की चाल कितनी आई, आधी आई उससे। यानी कि जब भी देखो इस तरीके से बोल सकता है, क्वेश्चन दो तरीके से बोलेगा कि प्रतिकूल टाइम, अगर प्रतिकूल टाइम को लेके बोलेगा कि प्रतिकूल जो समय है वो अनुकूल समय का 3 गुना लगता है, या अगर बोलेगा धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल जो जाने में समय लगता है वो प्रतिकूल समय का 1/3, मतलब अगर अनुकूल के साथ बोलेगा तो 1/3 बोलेगा और प्रतिकूल के साथ बोलेगा तो 3 गुना बोलेगा। यानी कि जब भी 3 गुना या 1/3 वर्ड का यूज किया जाएगा तो हमेशा याद रखो, आंख मिच के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, हमेशा नाव की जो चाल होगी वो धारा की चाल की दुगुनी होगी, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि धारा की जो चाल है वो नाव की चाल की आधी होगी। यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट दे दिया होता कि कुछ भी मान लेते हैं कि जो नाव की चाल है वो 16/2/3 है, नाव की चाल 16/2/3 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की चाल क्या होगी, ये कंडीशन दी होती, ठीक है, तो डायरेक्ट आप कह देते 8/1/3 होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। हमेशा याद रखो कि अगर 3 गुना या 1/3 बोला जाए और वो किस तरीके से बोला जाएगा, प्रतिकूल समय 3 गुना लगेगा और अनुकूल समय अगर बोला जाएगा तो अनुकूल समय प्रतिकूल समय का 1/3 बोला जाएगा। इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट नोट कर लो, अगर ये चीज़ आती है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर वापस लौटने में 5 घंटे लगते हैं, यानी कि टोटल टाइम दिया है, पहले अनुकूल जाता है और प्रतिकूल आता है, मतलब डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है, जब जाएगा तो अनुकूल से जाएगा तो अगर लौटेगा तो प्रतिकूल से लौटेगा, तो टोटल जो टाइम दिया है वो 5 घंटे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर/आवर और 4 किलोमीटर/आवर है तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी क्या होगी। अब देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हमें क्या पता हो ताकि हम आंसर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे टोटल टाइम दिया है, अनुकूल x की वैल्यू कितनी दी है 10, y की वैल्यू कितनी दी है 4, तो अनुकूल जो चाल होगी वो कितनी होगी 14 किलोमीटर/आवर, प्रतिकूल चाल क्या होगी 10-4 यानी कि 6 किलोमीटर/आवर। तो अगर आपको अनुकूल टाइम पता चल जाए तो भी आप 14 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लोगे, या प्रतिकूल टाइम पता चल जाए तो 6 से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, यानी कि मेन जो मकसद है आपका वो टाइम निकालना है। तो यहाँ पे देखो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट है देखो चाल का जो रेशियो है वो 7/3 आएगा, जब इससे 2 से काटेंगे तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 3/7 जाएगा। अब यहां पे टोटल टाइम 3/7 10 की जो वैल्यू है, टोटल टाइम कितना लग रहा है 7/3 10 10 की वैल्यू कितनी दी है हमें, यहां पे 10 की वैल्यू 5 दी है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 रेशियो। तो एग्जैक्ट जो है अनुकूल टाइम कितना लगता है 3/2, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 3/2, और प्रतिकूल टाइम कितना लगता है भाई आपका 7 रेशियो यानी कि 7/2। तो दोनों तरफ से डिस्टेंस तो उतनी ही आएगी, तो चाहे आप 14 को 3/2 से गुणा करोगे तब भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी 21 किलोमीटर, और चाहे 6 को अगर आप 7/2 से गुणा करोगे तब भी आपकी 21 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है, ठीक है। एक स्टीमर, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक स्टीमर, अब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अगर कॉन्सेप्ट पे काम करोगे और कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रयास ये करिए कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है अगर ऑप्शन से लग जाते हैं तो ऑप्शन से लगाने का प्रयास करिए, अगर आप ऐसे ही लगा सकते हैं पेन, मतलब कहने का ये है कि पेन हमेशा लास्ट में उठाओ जब सारे हथियार आपके बेकार हो जाएं, ठीक है। एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है, यानी कि अनुप्रवाह टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इसी दूरी को वह धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है, यानी कि यहाँ पर जस्ट उल्टा दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था चाल दी थी, यहाँ पर टाइम दिया है, ठीक है। तो बात तो वही है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यदि धारा की चाल, यानी कि यहाँ पे धारा की चाल मतलब बाई की वैल्यू कितनी दी है 2 किलोमीटर/आवर है, तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो यहाँ पे धारा की चाल दी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे धारा की चाल 2 किलोमीटर/आवर है, ठीक है, नाव की चाल आपको पता नहीं, लेकिन अनुप्रवाह और प्रतिकूल प्रवाह में टाइम दिया है, अनुप्रवाह में टाइम कितना लगता है, जाहिर सी बात है अनुप्रवाह में टाइम कम लगेगा, 4 घंटे लगते हैं, और प्रतिकूल में कितना लगता है 5, तो टाइम का रेशियो 4/5 का है, तो आपका स्पीड का जो रेशियो होगा वो 5/4 का होगा। अगर अनुप्रवाह और प्रतिकूल प्रवाह में
आपको चाल दी है, तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के अदा करेंगे, यानी कि 4.5 हो जाएगी रेशियो। और धारा की चाल क्या होगी आपकी, इनका डिफरेंस एक और एक का आधा कितना हुआ 0.5, 0.5 की जो वैल्यू है वो दो दी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4:4। तो 4.5 की वैल्यू कितनी जाएगी, 4.5 × 4 यानी कितना जाएगा आपका 18। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे अनुप्रवाह की चाल कितनी आ गई आपकी 18, यहाँ पे कितना जाएगा, नहीं यहाँ पे ये आपकी जो चाल आई वो धारा की चाल आई। तो अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 1:5 की वैल्यू अगर 4 है तो हमें ये धारा और नाव की चाल निकालने की जरूरत ही नहीं है। अनुप्रवाह की चाल कितनी जाएगी 5×20 और प्रतिकूल प्रवाह की चाल कितनी जाएगी 16:16। डिस्टेंस यहाँ से भी निकल आएगी 20×80 और यहाँ से भी डिस्टेंस निकल आएगी 16×5 80। चीजें आप समझ गए, आपको नाव और धारा की चाल में पढ़ना ही नहीं है, एक्चुअल में आपको डिस्टेंस निकालनी है तो अनुप्रवाह की चाल चाहिए। हमने यहाँ से 1:5 की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने अनुप्रवाह में अगर रखना है तो अनुप्रवाह की चाल निकाल सकते हो, प्रतिकूल प्रवाह से निकालना है तो प्रतिकूल प्रवाह की चाल निकाल के टाइम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसे वैल्यू पुटिंग से करोगे, बस कंडीशन आपकी सेटिस्फाई आपको करनी होती है, वैल्यू पुटिंग से अगर क्वेश्चन को करोगे तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन बना के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या दिया हुआ है कि एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है, साथ ही उसी गति से या 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल क्या होगी तथा नाव की चाल क्या होगी, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी। एक्चुअल में यहाँ पे क्या दिया है कि 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि धारा के विपरीत चाल क्या होती है एक्स माइनस वाई, यानी कि 25/x-y, क्योंकि समय क्या होता है दूरी बटे चाल, और अनुदिश कितना जाती है 39 किलोमीटर, तो अनुदिश चाल क्या होगी x+y। तो टाइम कितना लगता है यहाँ पे जो टाइम लगता है वो 8 घंटे लग रहा है। फिर कह रहा है धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, यानी कि 35/x-y, और अनुदिश कितना 52 किलोमीटर, तो 52/x+y, तो टाइम कितना लगता है आपका यहाँ पे 11 घंटे। तो एक तो तरीका क्या है कि आप यहाँ पे इनके इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, चाहे फर्स्ट टर्म को आप बना लो इक्वल या इस टर्म को इक्वल बनाओ, तो यहाँ से जब क्वेश्चन आप इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे तो वैल्यू निकालोगे एक्स और वाई की, और फिर जब एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता चल जाएंगी वही आपकी नाव और धारा की चाल होगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड लगा सकते हो अगर आपको चीज़ें पता है, आपको पेन भी उठाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे क्या करना होता है, आपको वैल्यू सेटिस्फाई करनी होती है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल चाल को x माइनस वाई भी लिख सकते हैं और हम b से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में इस चीज़ को आपको बताया था, क्योंकि x माइनस वाई ना लिख के हम b लिख रहे हैं, तो 25/b और +39/a, तो टाइम कितना लगता है 8 घंटे, और b और a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो नाव की चाल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के आधा कर देंगे, और धारा की चाल निकालनी है तो इन्हें घटा के आधा कर देंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 35/b +52/a, तो टाइम कितना लगता है 11 घंटे। अब यहाँ पे देखो भाई, ये डिस्टेंस है और इसको चाल से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे ये टाइम ही तो आ रहा है और ये टोटल टाइम 8 है, यानी कि यहाँ पे जो टोटल टाइम है वो हमें 8 लाना है। अब देखो 39 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 13 × 39, तो यहाँ पे 13 तो ले नहीं सकते क्योंकि टाइम तो 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 लेना होगा। तो 3 में क्या जोड़े ताकि 8 आ जाए, तो 5, यानी कि यहाँ पे इसको हम 25 को क्या ले सकते हैं 5×5, यानी कि सेटिस्फाई हो गया, 5 यहाँ से हमने ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, यानी कि 5×3 8 हो गया। 5×3 8 होने का मतलब यहाँ पे 5 का मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू कितनी हो गई 5 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो अगर ए और बी की हमें वैल्यू पता चल गई तो नाव और धारा की चाल निकाल सकते, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं, अब इसे देख लो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, अगर आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो बी की वैल्यू कितनी निकाली 5 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7, और ए की वैल्यू कितनी निकाली 13, तो रखेंगे कितना आएगा 4, तो 7×4 11, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई 5, ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ए की वैल्यू 13। तो नाव की चाल निकालनी है तो इनको जोड़ के आधा कर दो, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी 13×5 18 का आधा कितना हुआ 9, और धारा की चाल निकालनी है इन्हें घटा के आधा कर दो, तो 8 का आधा कितना होगा आपका 4। क्लियर, तो बताओ कितना समय लगा।
कुछ भी नहीं, बस ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर चीज़ें आपको पता है तो विद इन सेकेंड आप कर सकते हो। एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 30 किलोमीटर, अनुकूल प्रवाह में 44 किलोमीटर दूरी तय करती है। वह नाव प्रतिकूल प्रवाह में 40 किलोमीटर तथा अनुकूल प्रवाह में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। स्थान जल में नाव और धारा की चाल आपको बतानी है। तो प्रतिकूल प्रवाह में, प्रतिकूल प्रवाह जाती है 30 किलोमीटर यानी कि 30/20, और अनुकूल प्रवाह जाती है 44 किलोमीटर तो 44/20 तो टाइम कितना लगता है 10। फिर 40 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में जाती है और 55 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में जाती है तो टाइम कितना लगता है 13। अब देखो 44 को क्या ले सकते हैं, 11 × 4, तो यहाँ पे 11 तो ले नहीं सकते, 10 लाना है तो 4 लेना पड़ेगा। तो 4 में कितना जोड़े ताकि 10 हो जाए, यानी कि यहाँ पे 6 हमें लेना पड़ेगा, तो 6 लेना पड़ेगा। इसका मतलब चाल कितनी हो गई 5, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो गई 5 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 11। अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे 11 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, 8 5 13 आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 11। नाव की चाल निकालनी है तो इन्हें जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 11 × 5 = 16, 16 का आधा कितना हुआ 8 किलोमीटर बराबर। धारा की चाल निकालनी, इन्हें घटा के आधा कर दो, 4 का आधा कितना आएगा 2, यानी कि नाव की चाल कितनी हो जाएगी आपकी 8 किलोमीटर बराबर। यहाँ पे कितना आया, कुछ गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, नहीं सही तो किया है, यहाँ पे देखो 4 4 है और यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ पे 6 हुआ, यानी कि ये 5 हुआ। हाँ बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11 और बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5, तो ए की वैल्यू 11 है और बी की वैल्यू कितनी है 5, तो जो चाल आएगी नाव की चाल है ये आएगी 8 और जो धारा की चाल आएगी वो कितनी आएगी 2 किलोमीटर बराबर। तो इतने ही टाइप के आपके स्पेशली यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैंने आपको करा दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत कम टाइम में इस चैप्टर को आप रिवाइज कर पाएंगे। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ कि जो कन्फ्यूजिंग चैप्टर हैं उनको पहले रिवाइज कर दिया जाए, करा दिया जाए, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ढेर सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी, उसका सेशन हम बहुत जल्द लेके आएंगे। उसके अलावा प्रिज्म और पिरामिड से रिलेटेड आपको डाउट रहते हैं तो उस चैप्टर को भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और हर एक चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर क्लास आपने पूरी देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी ये टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को दस शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।